लद्दाख में घुसता चीनी हेलीकॉप्टर ने रोकाया। एलएसी नजीक आता चीनी हेलीकॉप्टर ने भारतीय वायुसेनाए खदेड़ी मुक्या। भारत में वधतो कोरोना संकट, एक दिवस में 3591 केस पॉजिटिव, पॉजिटिव केस नो आंकड़ो 70700 ने पार। गुजरात पर कसातो कोरोना सकंजो, मेहसाणा में वधु 6 केस पॉजिटिव, राज्य में 8600 नजीक पहुंचो संक्रमित दर्दियों आंक। सूरतना ओलपाड़ में खोटी श्रमिकों की धीरज, परप्रांतीय श्रमिकों ने बैनरों साथे काढ़ी रेली, वतन जवानी मांग साथे कर्यो होबाळो। अमदावाद में वतन जवा माटे लागी परप्रांतियों की लाइन, किसनपुर चौकड़ी थी वटवा केनाल सुधी लाइन लगावीने उभा रहा श्रमिकों। भरूच में ब्रिटानिया कंपनी बाहर कर्मचारियों धरना प्रदर्शन, पगार न मळता कर्मचारियों दर्शायो विरोध, तो दमण में ओपेरा कंपनीए पगार न आपता कामदारों विरोध। 50 दिवस बाद आज देश में पाटा पर दौड़े पैसेंजर ट्रेन, आज प्रथम दिवसे देशभर में 8 ट्रेनों थे रवाना। अमदावाद से दिल्ली की ट्रेन सांजे 5:40 कलाके थे रवाना। राजकोट तंत्रए मास्क न पहेरनारा लोको पासेथी वसूल्यो दंड, अत्यार सुधी में दंड वसूली थी 23.88 लाख की आवक। शिक्षण प्रधान भूपेन्द्रसिंह चुड़ासमा की जीत ने पड़कारती अरजी पर आज चुकादा की शक्यता, गुजरात हाईकोर्ट जाहिर करी शके चुकादो।